तो दुनिया भर के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो या जितना भी सारा काला धन हो वो दुनिया के सिर्फ एक ही बैंक में रखा जाता है, वो है स्विस बैंक। अब ऐसे में स्विस बैंक को दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है और उसमें अकाउंट खुलाने वाले ज्यादातर बड़े बड़े कारोबारी या बड़े बड़े राजनेताओं ही होते हैं। आखिर क्या है ये स्विस बैंक और कैसे ये काम करता है और स्विस बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्विस बैंक जो है आम बैंकों की तरह ही एक बैंक है जिसको स्विट्जरलैंड में सबसे पहले 1773 ईस्वी में खोला गया था। जिस तरह से हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह स्विट्जरलैंड में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जिसको हम लोग स्विस बैंक के नाम से जाने जाते हैं और इसका जो मेन ब्रांच है वो स्विट्जरलैंड में ही स्थापित है। तो ये स्विस बैंक आखिर काम कैसे करती है? तो स्विस बैंक जो है बाकी जितनी भी बैंक है उन्हीं की तरह ये बैंक भी काम करती है, सिर्फ इनके नियम थोड़े से अलग अलग है। स्विस बैंक जो है 1713 ईस्वी से चलते आ रहे हैं और ये बैंक जो है सीक्रेसी के कानून को फॉलो करता है, जिसके मुताबिक अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है, कोई भी कानून को अगर नहीं तोड़ा है, तो स्विस बैंक जो है उन लोगों को अपना अकाउंट खोलने के लिए वहां अनुमति देता है और बैंक जो है इसकी जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, यहां तक कि वहां के सरकार के साथ भी शेयर नहीं करता है। अगर साल 2017 से स्विट्जरलैंड पर एक नया कानून बनाया गया जिसके अनुसार स्विट्जरलैंड के साथ जिन सभी देशों के अच्छे संबंध है उसके साथ स्विस बैंक जो है उनकी जानकारी साझा करेगा, मतलब कि स्विस बैंक की सारी डिटेल्स जो है वो उन देशों को देगी। अब जनरली जो है स्विस बैंक को हम लोग काले धन का स्वर्ग बोलते हैं, मतलब दुनिया भर का जितना भी काला धन है वो स्विस बैंक में रखा जाता है क्योंकि वो सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित तिजोरी होती है, क्योंकि उसकी डिटेल्स जो होती है बाकी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। तो आखिर जो है ये स्विस बैंक जो है इतनी सुरक्षित कैसे है और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है? तो स्विस बैंक का जो अकाउंट है वो एक नंबर अकाउंट से चलता है जिसमें आप कुछ नंबर दिए जाते हैं और उन नंबरों का पता वहां के कर्मचारियों तक कभी नहीं होता है और उसी नंबर से जो है बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से कर सकता है, अपने खाते की सारी डिटेल जो है वो अकाउंट होल्डर उसी एक नंबर से निकाल सकता है। आखिर स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है और कैसे जो है ये अकाउंट खुलता है? स्विस बैंक में अकाउंट खोलाना इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। अगर स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए आपको स्विट्जरलैंड की बैंक की ब्रांच में जाना होगा या जो है आप घर में बैठे बैठे भी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। वहां पे जो अकाउंट खोलने का प्रोसेस है वो SBI में अकाउंट खोलने के प्रोसेस से भी ज्यादा इजी होता है। तो अब बात करते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। तो जैसे हमारे इंडियन में जितने बैंक है यहाँ पे मिनिमम बैलेंस 3000 रखना पड़ता है, उसी तरह स्विस बैंक में जो है मिनिमम बैलेंस $1,00,000 यानी कि 75 लाख रुपए के आसपास आपको रखना पड़ता है और उन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक जो है आपको $300 का यानी कि तकरीबन 22,000 रुपए का महीना में मेंटेनेंस चार्ज भी देता है। यानी कि इंटरेस्ट की बात तो आप छोड़ ही दो, आपको मेंटेन रखने के लिए सिर्फ $300 अलग से दिए जाएंगे क्योंकि स्विस बैंक जो होता है एक लॉकर सिस्टम वाला अकाउंट होता है, तो उस लॉकर को मेंटेन करने के लिए आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं क्या अभी के जमाने में स्विस बैंक में पैसा रखना सबसे ज्यादा सेफ है और क्या ये पहले की तरह अभी भी सबसे सुरक्षित तिजोरी मानी जाती है? तो अगर सही मायनों में अगर आपको बताया जाए तो अब जो है स्विस बैंक पहले की जैसे सुरक्षित नहीं है। स्विट्जरलैंड का भारत के साथ अब एक खासा कनेक्शन है, इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड जो है अपने बैंकों में पैसा जमा कराने वाले जितने भी भारतीय हैं और जितने भी भारतीय कंपनी है उनकी जानकारी अब जो है भारत के साथ शेयर करेगा। और भारत सरकार जो है ऐसे किसी भी बैंक की डिटेल्स नहीं मांग सकती है जो 2017 से 18 के पहले की खोली गई है। इंडियन गवर्नमेंट के पास उस स्विस बैंक की डिटेल्स होगी जो 2017 से 18 के बाद की खोली गई है। अगर ऐसे में स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाए क्या स्विस बैंक का पैसा जो है पूरा स्विस बैंक रख लेगा या उसमें भी कोई नॉमिनी सिस्टम होता है? स्विस बैंक के रूल के अनुसार अगर अकाउंट होल्डर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है स्विस बैंक केवल उसकी संपत्ति के सच्चे वारिस को ही खाते की पूरी जानकारी देगा। वो अकाउंट होल्डर का हस्बैंड, वाइफ, बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है और उनके पास स्विट्जरलैंड के कोर्ट के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उनको परमिशन दे सके कि वो स्विस बैंक के सारे डिटेल्स जो है उनके अगले वारिस को दे दी जाए। इस तरह से जो है स्विस बैंक पूरे वर्ल्ड में काम करता है और ये भी बाकी बैंकों की तरह ही अपना काम करता है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये फैक्ट? होप सो कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इस तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।